इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडोमेट्रियल फ्लूड या यूट्राइन फ्लूड के बारे में। अक्सर हम जब फीमेल पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, किसी किसी केस में हमें यूट्राइन कैविटी या इंडोमेट्रियल कैविटी में मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूड नज़र आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड इन यूट्राइन कैविटी इज़ नॉर्मल। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बनता है, ये फिजियोलॉजिकल फ्लूड है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई लक्षण कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होता और ये अपने आप गायब हो जाता है। पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसके यूट्राइन कैविटी में इंडोमेट्रियल कैविटी में थोड़ा बहुत फ्लूड बन गया है, अपने आप गायब हो जाता है। कुदरती तौर पर हर महिला को लिटिल अमाउंट ऑफ इंडोमेट्रियल फ्लूड उसके यूट्राइन कैविटी में बनता है, होता है। ये एक नेचुरल सिक्रीशन है जो इंडोमेट्रियम में मौजूद सेल्स जो होती हैं, इंडोमेट्रियल लाइनिंग में मौजूद जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। इंडोमेट्रियल लाइनिंग में ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो इस फ्लूड को प्रोड्यूस करती हैं। थ्रू आउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंडोमेट्रियम फ्लूड की मात्रा में लगातार फ्लक्चुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में चेंजेस होते हैं। हार्मोन लेवल में जितना फ्लक्चुएशन होगा उतना फ्लूड के बनने पर असर डालेगा। हम कह सकते हैं कि ये जो इंडोमेट्रियम या यूट्राइन फ्लूड है ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से यूट्राइन कैविटी में बनते हैं। थोड़ा फिजियोलॉजी समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। ओवुलेशन से पहले, एक रिलीज़ होने से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होता है जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मोटा करता है, थिकन करता है और ग्लैंडुलर सेल्स को फ्लूड प्रोड्यूस करने को कहता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन यूट्रस और इंडोमेट्रियम में मौजूद ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। यूट्रस और इंडोमेट्रियम में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उन वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन वो तेज़ हो जाता है जिससे और फ्लूड बनता है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा है, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन है, ये कुदरती चीज़ है। ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, ये फ्लूड मदद करता है एक तक पहुँचने के लिए और फर्टिलाइज होने के लिए। लेकिन किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा फ्लूड बनने लगता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, और इस कंडीशन को हम हाइड्रोमेट्रा कहते हैं। ये पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, इसके बारे में हमें ध्यान देना होगा, इस मसले का हल करना ज़रूरी है, इसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोमेट्रा हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्राइन इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है और ये सिम्टोमेटिक होता है। इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, पेल्विक पेन, वेजाइनल ईचिंग, फ्लूड डिस्चार्ज, पेन इन सेक्स, पेशाब में जलन, कई लक्षण हो सकते हैं इसके। आपको तुरंत अपनी लेडीज डॉक्टर को दिखाना होगा, मिलना है और एक फ्रेश अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है कि फ्लूड की मात्रा कितनी है, फ्लूड कलेक्शन की मात्रा कितनी है। ट्रीटमेंट डॉक्टर्स गाइडलाइन तैयार करेगी, इन्वेस्टिगेशन और करवाएगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बहुत सा टेस्ट करवाएगी अपने हिसाब से। उसके बाद एक डायग्नोसिस आएगी खुल करके कि इस वजह से ये चीज़ हुई है, हाइड्रोमेट्रा हुआ है। तो ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज के हिसाब से होता है, किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस प्रॉब्लम को पकड़ा जाता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्लूड अपने आप ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम पकड़ा गई, ट्रीटमेंट हो गया, मेडिसिन चल गई, फ्लूड धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये लेडीज़ डॉक्टर का केस है, आपको लेडीज़ डॉक्टर से मिलना होगा इस तरह के केस में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है चैनल को।